पर्सनलाइज स्वैप कर लोगे लेकिन दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे स्वैप करोगे उसके लिए इधर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो इसमें करना क्या है, b का जो वैल्यू है 20 वो a को देना है और a का जो वैल्यू है 10 वो b को देना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है temp, जो कि है एक टेम्पररी वेरिएबल। तो लॉजिक कैसा जाएगा दोस्तों, temp इज इक्वल टू a। तो इससे क्या होता है कि अपना जो a का वैल्यू है वो हमने temp में स्टोर कर लिया है, फिर हम वैल्यू अपडेट करेंगे a का, a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू हमने को स्वैप करना था वो आ गया ऑलरेडी 20। फिर अभी बाकी रह गया b का वैल्यू, अभी b का वैल्यू क्या होना चाहिए 10, तो वो हम कहाँ से लेंगे, तो temp है जिसमें हमने ऑलरेडी 10 स्टोर किया है, तो वो हम b को ले लेंगे temp। इस तरह से b का वैल्यू भी आ जाएगा 10। तो एक बार ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो देखो, बिफोर स्वैपिंग a वॉज 10 एंड b वॉज 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया अपना स्वैप का लॉजिक। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर बार इंटरव्यू में आता है, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता है। और इससे भी अच्छा एक और ऑप्टिमाइज तरीका है जिसमें हम सिंगल लाइन में ही विदाउट यूजिंग द temp वेरिएबल हम ये अचीव कर सकते हैं। तो वो क्या है, क्या आपको पता है, तो कमेंट में बता दीजिए।